बेकदर बेकदर। मैं बार बार इस पर बात करना नहीं चाहती। हमारा जवाब पहले भी ना था और अब भी ना। फर्क है पहले की बात में और अब की बात में। अब उम्मीद और जुनेद एक दूसरे को पसंद करते हैं। आज तक जैसे सब मेरे साथ करते आए, आपने भी वही किया। मुझे लगा कि आप मेरे साथ हैं, मेरी हमदर्द है, लेकिन मैं गलत थी। तो मैंने क्या कर दिया? और मुझे क्या पता है कि वो उम्मीद कौन सी खिचड़ी पका आई है नीलम के घर में। उसी ने जुनेद को वरगलाया है और जुनेद भी पता नहीं क्या कह रहा है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उम्मीद के साथ। अब मुझे बता इसमें मेरा क्या कसूर है बेटा? झूठ बोलती हैं आप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीलम आंटी आपको कुछ बताए बगैर करे। मैं सब जानती हूँ, आप सब लोग मिलके अम्मी के खिलाफ साजिश करते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ, धोखेबाज है आप। मुझे यकीन आ गया, अम्मी ने हमेशा हमेशा मुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन आपने हमेशा मेरी आंखों पे पर्दा डाले रखा। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि आप सब लोग मिलके अम्मी के खिलाफ साजिश करते हैं। और बरसों पहले आप सब ने मिलकर कोमल खाला को मारने की साजिश की थी, सब जानती हूँ मैं। ये तो कहाँ की बात कहाँ मिला रही हो, और तुम भी ना अपनी माँ की ही बोली बोलने लगी हो। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जुनेद का दिमाग जिसने खराब किया ना, वो उम्मीद है, उम्मीद। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। दादी, अगर आप मेरे साथ होती ना तो जुनेद और उम्मीद के रिश्ते की बात होने ही ना देती। आप डबल गेम खेल रही हैं। कितना यकीन था मुझे आप पर कि आप मेरा साथ देंगी, लेकिन आपने मेरा साथ ना देकर उम्मीद का साथ दिया, मुझे धोखा दिया। दादी, नफरत नफरत हो गई है मुझे आपसे। रमल, मर्ख की औलादे भी उससे कम नहीं है। एक हाथ में आती है तो दूसरी हाथ से निकल जाती है। बाबा, क्या आप ही मुझसे नाराज हैं? तुम्हारी माँ का बहुत दिल दुखा है, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या ये सच है बाबा कि मैं अपनी अम्मी की मौत की जिम्मेदार? उम्मीद आगे कुछ मत कहो, कुछ हकीकतों पर जितना पर्दा डालने की कोशिश करो, मगर सच छुटलाया नहीं जा सकता। भूल जाओ तुम्हारी मां, अपने फैसलों पर माजी की गर्द मत ओढ़ने दो। मुझे माफ कर दे बाबा, मैं आप लोगों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप नहीं चाहते कि मैं जुनेद से शादी करूं तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए आप और अम्मी से बढ़कर और कोई नहीं। कब से ये सिलसिला मिलती रही इस दिल को सजा, तुम भी सुनो दिल के रोग कभी तन्हा मनाए हैं सोग सभी, सब थे बेगाने देखा जिधर हमको रही बस तेरी फिक्र। बेकदर हाँ बेकदर, तू
मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? उम्मीद मैं समझता हूँ कि जिस वक्त से तुम्हें डर था वो आ चुका है, लेकिन लेकिन यही वो वक्त है जिसका हमें सामना करना है, हिम्मत से, सब्र से, क्योंकि ना तो अब मैं पीछे हट सकता हूँ ना ही तुम। मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत करने से पहले तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारे माँ बाप और अपने खानदानी झगड़ों को देखना चाहिए था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शायद किस्मत में हमारा एक होना लिखा ही नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वही बात है, तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे दिल का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन यही सच है, मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इज्जत करती हूँ और अपनी जात से उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। उन्होंने तो मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागती थी और पता ही नहीं चला कब तुमसे मोहब्बत हो गई। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। उम्मीद मैंने कहा ना, ये इम्तिहान है हमारा, हमें बस साबित करना है। मैं फैसला कर चुकी हूँ और शायद मेरे माँ बाप ने तुम्हारे घर पैगाम भी पहुंचा दिया, इसीलिए हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाना चाहिए। हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझे। जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर, हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर बेकदर। हाँ बेकदर तू बेकदर, हाँ बेकदर बेकदर, हाँ बेकदर तू बेकदर, हाँ बेकदर। वादा करो कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। ऐ जिंदगी ना तू और आजमा, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तिश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बाबा प्लीज उम्मीद आप ही के साथ ऐसा जुल्म ना करें। फरहान मुझे खुशी है कि तुम अपनी बहन का भला सोचते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें ये सोचना है कि क्या गलत है और क्या सही। पापा वो सब ठीक है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि रमल के वक्त बात कुछ और थी और अब उम्मीद आबी के वक्त बात कुछ और है, इसलिए प्लीज़ कोई भी फैसला करने से पहले एक दफ़ा सोच लीजिएगा। फरहान हम उम्मीद के लिए सब कुछ कर सकते हैं मगर ये नहीं। हम अपना फैसला कर चुके हैं,
कि हम उम्मीद की शादी उस घर में नहीं करेंगे। फरहान, मामू मोमानी ने उम्मीद के लिए जो फैसला किया होगा ठीक होगा। जब जुनेद रमल को नहीं मिल सकता तो उम्मीद को क्यों मिले? जरा मेरी बात सुनो, तुम इस मामले से दूर रहो तो अच्छा रहेगा। क्यों दूर रहूं? अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, और बेहतर है उस उम्मीद की वजह से तुम मामू मोमानी की नजर में बुरा मत बनो। सारा मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं उम्मीद आप ही के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए उनके बारे में बोलने से पहले सोच लेना, समझी? सोच लेना। उम्मीद की वजह से ना हमेशा फरहान मुझसे खफा होते हैं, तुम कब जान छोड़ेगी इस मनहूस से? उम्मीद ने बहुत जल्दी हार मान ली, उसने आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा वक्त तो लेती। हाँ समझाऊ मैं तुम्हारे अंदर की तकलीफ को? समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है। एक नफरत कैसे मोहब्बत को खत्म कर देती? भाई मुझे दुख है कि आपकी मोहब्बत इन खानदानी मसलों की वजह से नहीं मिल पा रही। हम भी तो भाई पागल है दोनों, एक ही घर में मोहब्बत कर बैठे। जाने ऐसा क्या हुआ था बरसों पहले इन दोनों खानदान के दरमियान, जो एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। भाई मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मामा ने सिर्फ इतना बताया कि मारो कांटी सारी प्रॉब्लम की वजह है। अतील मेरा भी दिल कहता है कि उम्मीद अपने घर वालों के दबाव की वजह से ऐसा कर रही है, वरना मैंने उसके दिल में अपनी मोहब्बत महसूस की है, वो कभी ऐसा नहीं कह सकती। आप फिक्र मत करें भाई, मुझे पक्का यकीन है कि आपको आपकी मोहब्बत मिलके रहेगी, क्योंकि जहां सच्चाई होती है ना वहां जीत लाजिम है। काश कि तुम्हारी शादी अगर रमल से पहले हो जाती आज मेरे लिए बात आसान हो जाती। उम्मीद, उम्मीद वो जुनेद काफी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ खबर है क्या उसकी? नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर वो कहाँ जा सकता है? चलो मैं देखता हूँ। बेटा क्या हो गया है, क्या कर रहे हो? ना यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ना घर से बाहर निकल रहे हो। बेटा तुम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हो, तो यूं सारी बातें सोचकर अपने जिंदगी को क्यों खराब कर रहे हो? आगे बढ़ो जिंदगी में, जैसे तुम्हारी माँ ने कहा यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो, अपने अपने दोस्तों से मिलना शुरू करो, फिर से लाइफ को दोबारा नॉर्मल करो। प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना, और आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जुनेद बेटा मेरी बात सुन। मामा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा किया जो आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। खाला बता रही थी कि जुनेद से रिश्ते की बात पे तुम्हारे घर में बड़ा हंगामा हुआ, और फिर पता नहीं तुम्हारी क्या बात हुई जुनेद से, तब से अजीब सा हो गया है, बाहर जाना छोड़ दिया, हमसे कोई बात नहीं करता,
बस अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है। ये अदील कम था जो अब ये भी मोहब्बत का रोग लगा बैठा है। आंटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं भी यही परेशान हो रही थी कि इतने दिन हो गए जुनैद यूनिवर्सिटी नहीं आया, इसलिए मैं पूछने आ गई। बहुत अच्छा किया उससे मिल लो। कुछ फ्रेंड्स आए थे यूनिवर्सिटी से मगर उनसे नहीं मिला। मैं देखेगा तो शायद बेहतर फील करे। वो अपने कमरे में, आओ मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। आज नीलम का फोन है। हेलो, हाला आपको पता है मेरे घर कौन आया है? अरे मुझे कैसे पता होगा कौन आ गया? सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। उम्मीद आई है मेरे घर। क्या? जी हाँ, मैं भी हैरान हो गई उसे अपने घर में देखकर। जुनैद से मिलने आई है। अरे वाह, ये तो भाई बहुत अच्छी बात हो गई। यानी अब हम उसे शीशे में उतार कर शादी के लिए राजी कर सकते हैं। लेकिन हाला ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी अपनी माँ की तरह तेज तरार है। जब मोहब्बत होती है ना तो सारी तेज तरारियां खत्म हो जाती हैं। अब देख लो, अगर वो चाहती तो अपने माँ बाप के सामने झूठ भी बोल सकती थी, लेकिन उसने सच बोल दिया और तुम्हारे घर भी पहुँच गई वो। तो बस अब हम उसे ना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मकसद के लिए। हाँ ये बात तो आपने ठीक कही। तो अब क्या करना है खाला? अरे मैं बताती हूँ ना तुम्हें क्या करना है। जुनैद। उम्मीद तुम यहाँ? तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारे एब्सेंट होने की वजह से सब बहुत परेशान हो रहे हैं। जब मोहब्बत बेवफा हो जाती है उम्मीद, तो जिंदगी भी कदम से कदम मिला के ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तकलीफ होती है तुम्हें इस तरह देखकर। अपनी नॉर्मल जिंदगी में प्लीज वापस लौट आ। नहीं उम्मीद, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर ये फैसला नहीं कर सकती, उन्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है। तो क्या तुम खानदानी दुश्मनी की वजह से अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दोगे? मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मुझे भूलना होगा। मोहब्बत है मुझे तुमसे, खुद से भी ज्यादा चाहने लगी हूं मैं तुम्हें। दुश्मनी निभाते निभाते पता ही नहीं चला कब तुम मेरे दिल में उतरते चले गए। शादी करोगी मुझसे? हाँ। हम पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं ना? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? कितनी आसानी से तुमने मुझे खुद को भूलने का कह दिया, मगर मैं अपने दिल से तुम्हें कैसे निकालूंगा? क्या तुम मुझे अपने दिल से निकाल पाओगे? बताओ मीत, कोई तरीका है तो मुझे भी बता दो। चल रहा बोलो। कब से ये सिलसिला मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी,
तन्हा मनाए हैं सोग सभी, सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस तेरी फिक्र। बेकदर हाँ बेकदर तू, बेकदर हाँ बेकदर। आधी सच्चाई बताई थी मैंने तुम, ताकि तुम अपने बड़ों से बदगुमान ना हो। जानती भी हो कि सच क्या है? तुम्हारी माँ की कत्ल की जिम्मेदार है वो औरत। तुम पूरा सच नहीं जानती होगी। नीलम, तुम्हारी दादी और तुम्हारी फुफ्फो ने मिलकर मारा है मेरी बहन को। बहू बेगम, यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ अपनी बेटी उम्मीद का भी पता है? क्या गुल खिलाती फिर रही है? खुदा के लिए आंटी, मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाना बंद कर दें। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ। वो तुम्हारी लाडली बेटी ना अभी भी नीलम के घर में बैठी हुई है, जिससे दूर रखना चाह रही थी। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो जुनैद से मिलने के लिए ना उसके घर में पहुँच गई है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो, वरना जब आएगी तो पूछ लेना उससे। गई थी तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ गई थी तुम? अम्मी, मैं जुनैद से मिलने गई थी। तुम उसके घर गई थी? जी अम्मी, वो काफी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं कहा, इसीलिए सच बता रही हूँ। क्या करूँ मैं सच का? उम्मीद, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम नीलम से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, लेकिन जुनैद की तबीयत खराब थी इसीलिए मैं उसे मर तो नहीं रहा था ना। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? देखो, माना कि वो बीमार है, अल्लाह पाक उसे शिफा दे, लेकिन उम्मीद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम वहां मत जाओ, उन लोगों से दूर रहो। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन तुम पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। जुनैद बेटा, मुझे उम्मीद का यूं तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करने के लिए आना बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है वो तुम्हें दिल से चाहती है। वो बस ये देखने आई थी कि मैं किस हाल में हूं। अगर उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत होती ना, तो वो मेरे पास वापस लौट आती। ऐसी बात नहीं है जुनैद, तुम देखो तो वो खुद चल के आई है। इसका मतलब है वो अब भी तुम्हें चाहती है। नहीं मामा, मैं आपकी बातों से अपने दिल को बहलाना नहीं चाहता। वो खुद कह के गई है कि मैं उसे भूल जाऊं। सब उसकी माँ की वजह से हो रहा है, उसी ने दबाव डाला होगा उम्मीद पर। लेकिन मैं वो माँ नहीं हूं जो अपने बच्चों की जिंदगियां खराब कर दें। देखो जुनैद, अगर तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है तो मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में वापस ला सकती हूँ। ये कैसे मुमकिन है मामा? उसके वालिदैन नहीं मानेंगे। इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जैसा मैं कहूंगी वैसा करना होगा। अगर उम्मीद अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाए तो बताओ वो क्या करेंगे? पर इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। और वो क्या?
मैं उम्मीद से कहूंगी कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है और तुम हॉस्पिटल में हो, और फिर देखना कैसे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए आ जाएगी, और फिर तुम्हारा साथ वो कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहती हैं कि मैं उसे झूठ बोलकर धोखा देकर हासिल करूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जिंदगी भर उम्मीद से नजरें कैसे मिला पाऊंगा, और फिर उम्मीद अपने ही वालदैन के खिलाफ उठ खड़ी होगी, और ये गलत है। जुनैद, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक यही तरीका है उम्मीद को पाने का, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाद में ना कहना कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। बेवफा हो जाती है उम्मीद, तो जिंदगी भी कदम से कदम मिला के ज्यादा देर तक नहीं चल पाते। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अपनी नॉर्मल जिंदगी में प्लीज वापस लौटा। नहीं उम्मीद, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर ये फैसला नहीं कर सकती। उन्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है। तो क्या तुम खानदानी दुश्मनी की वजह से अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दोगी? क्या करूं मैं सच का? उम्मीद, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम नीलम से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, लेकिन जुनैद की तबीयत खराब थी इसीलिए मैं उसे मर तो नहीं रहा था ना। उम्मीद, अरे बेटा तुम रो रही हो? नहीं दादी, बस ऐसे ही। अरे ऐसे क्या, सब पता है मुझे। तुम जुनैद से मिलने क्या गई? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी बातें सुना छोड़ी, इसीलिए तो पूरे घर को सर पर उठाया हुआ उसने। और मुझे वो बातें सुनाई कि क्या बताऊं। और बेटा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। कौन सा गलत काम किया तुमने? बीमार की आदत को जाना तो सवाब का काम है, है? मुझे तो समझ नहीं आता आखिर तुम्हारी माँ को अपने बच्चों से बैर क्या है। पहले रमल की खुशियों के आड़े आ गई, रिश्ते से इनकार कर दिया। अब जबकि तुम और जुनैद एक दूसरे को पसंद करते हो तो अब तुम्हारे खिलाफ हो गई वो, है? माँ तो अपनी बच्चों की खुशियों की खातिर अपना माजी हाल सब कुछ भुला बैठती है। एक तुम्हारी माँ है जो अपने माजी के लिए अपनी बच्चों की खुशियों को बर्बाद कर रही है। हाँ। नहीं दादी, अम्मी ऐसी नहीं है, आप गलत कह रही हैं। अरे बस बस, सब पता है मुझे, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी माँ को। शुरू से ही उसे अपनी मनमानी करने का बहुत शौक है। अरे जिसने यासिर जैसे इतने अच्छे इंसान की चाहत का ठुकरा दिया, उसे किसी और की चाहत का क्या एहसास होगा? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? गुजरते दिन के साथ नए मसाइल खड़े हो रहे। आज उम्मीद जुनैद के घर गई थी। क्या? हाँ, दुख और गुस्सा इसी बात का। मेरे मना करने के बावजूद भी उससे मिल रही है वो, उसके घर तक चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मीद तो हमारी लॉयल बच्ची है, हमारी नाराजगी की खातिर उसने अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दी थी, तो फिर आज ये कैसे हो गया?
तुम्हें किसने बताया कि वो वहां गई थी? आंटी ने बताया, उन्हें सब पता था। मुझे लग रहा है पोनी के कहने पे ना गई, शायद नीलम ने उन्हें फोन करके बताया होगा। वो वहां क्यों गई थी? तबीयत खराब थी जुनैद की, उसकी खैरियत लेने गई थी। सर मैंने उसे बहुत डांटा है, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा उसे। हेलो यासर, यासर आप जल्दी से घर आ जाएं, जुनैद ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। हाँ हाँ बस आप घर आ जाएं। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर तुम्हारी माँ को अपने बच्चों से बैर क्या है। पहले रमल की खुशियों के आड़े आ गई, रिश्ते से इनकार कर दिया, अब जबकि तुम और जुनैद एक दूसरे को पसंद करते हो तो अब तुम्हारे खिलाफ हो गई वो है। माँ तो अपनी बच्चों की खुशियों की खातिर अपना माजी हाल सब कुछ भुला बैठती है। एक तुम्हारी माँ है जो अपने माजी के लिए अपने बच्चों की खुशियों को बर्बाद कर रही है। आखिर तुम चाहती क्या हो? जुनैद के घर तक पहुंच गई तुम? हाँ कल तक तो तुम मुझे मना कर रही थी और आज वही सब कुछ तुम खुद कर रही हो। और तुमने तो इस रिश्ते से भी मना किया था ना? हाँ तो मैं अब भी मना ही कर रही हूँ। तो फिर क्यों गई थी वहां? हाँ और अब ये मत कहना कि जुनैद की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि ये सब बहाने ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे। तो फिर तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। ओ, समझ गई मैं, ये जो तुम खेल खेल रही हो ना, ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी मैं। और जुनैद को तो मैं किसी कीमत पे तुम्हारा होने नहीं दूंगी, ये बात दिमाग में बिठा लो अपने। रमल मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम लाहासिल लड़ाई लड़ रही हो, अदील तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें उसका हाथ थाम लेना चाहिए। ओ प्लीज शट अप, तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है मुझे। क्या हुआ जुनैद को, कहाँ है वो और क्या ये खुदकुशी करना? रिलैक्स यासिक, सब ठीक है, जुनैद को कुछ नहीं हुआ। मगर तुम तो मुझे फोन पे कह रही थी कि। हाँ मैंने झूठ बोला था और यही झूठ हम मारुक और सरमद के सामने जाकर बोलेंगे, इसीलिए आपको बुलाया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे, अगर इस झूठ के चक्कर में मुझे कुछ हो जाता तो। आपको यही गुस्सा वहां जाकर दिखाना है। अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं वहां जाकर अपने बेटे की खुदकुशी का नाटक करूं? पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह? यही पागलपन है और यही तरीका है उम्मीद और जुनैद की शादी करवाने का। तुम ना अपने ये जो तरीके ना इन्हें अपने पास रखो। तुम मैं अपने बेटे के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। और तुम जुनैद की शादी धोखे से करवाना चाहती हो? तो फिर और क्या करूं, मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है। क्या भूल गए, बरसों पहले मारुक ने जो आपको धोखा दिया था। बस नीलम, मुझे बार बार मेरा माजी मत याद दिलाया करो, और मैं अब मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हें जो करना है ना तो वो करो, मजाक की भी हद होती है। ये तो बुरा हो गया, नीलम बेटा क्या हो गया, क्यों इतना रो रही हो? मेरा जुनैद हॉस्पिटल में, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो, क्यों ऐसी बातें मुझसे निकाल रही हो? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ सर मत मारो, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जुनैद और उम्मीद की शादी के लिए राजी हो जाओ, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। सरमत मारुख, जुनैद उम्मीद से बहुत मोहब्बत करता है, मर जाएगा वो। क्या कह रहे हो तुम दोनों, क्या हुआ है जुनैद को, वो क्यों हॉस्पिटल में एडमिट है? उसने
खुदकुशी करने की कोशिश की है। ओए मेरे अल्लाह। हम लोगों ने उम्मीद का रिश्ते से इनकार कर दिया इसी वजह से। तो अपने बेटे की नदानी का इल्जाम हम पर लगाने आए? नहीं माँ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बस ये कहने आए कि प्लीज शादी के लिए राजी हो जाओ, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। तुम भी माँ हो, मारो। नीलम, हमें बहुत दुख है तुम्हारा बेटा जिस हालत से गुजर रहा है। हमारी दुआएं उसके साथ हैं, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह, हम दुआ देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बेकदर हाँ बेकदर।